after acceleration, we have one another topic, that is equations of motion. So equations of motion को find करने की जरूरत क्या पड़ी है, मतलब क्यों ये हुआ? हमारे पास there are three equations of motion. One is v is equals to u plus at. Second one is s is equals to ut plus half at square. And third is equals to v square is equals to u square plus 2as. अब बात आती है कि जब हमारे पास uniformly accelerated और uniformly retarded motion है, if we have uniformly accelerated motion or uniformly retarded motion, then we can apply these equations of motion. अब हमारे पास दो चीजें हैं velocity find करने के लिए, एक equation ये भी है और velocity is equals to displacement upon time formula भी है, ठीक है? तो दोनों में अंतर क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि हम कहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और कहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम उन जगह पर जहां पर यूनिफॉर्म मोशन होगा. इन यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन वी विल अप्लाई द फार्मूला ओनली वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. But if the motion is uniformly accelerated or uniformly retarded, then we will apply the formula like this. V is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as. ये कभी कोई fix नहीं होता है कि कौन सी equation कहाँ लगेगी. ये depend करता है कि हमारा question में requirement, given requirement क्या है और क्या हमें find करना है. कोई जरूरी नहीं है कि उस question को first, second मिला करके find कर सकते हैं या केवल third से find कर सकते हैं, मतलब कोई भी equation of motion हम apply करके उससे उस value को find कर सकते हैं. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर motion जो है वो accelerated हो या retarded हो, तब हम use करेंगे ये equations of motion, और अगर motion uniform motion है तब हम apply करेंगे velocity equals to displacement फॉर्मूला. ये बेसिक डिफरेंस है और ये हमेशा याद रहना चाहिए. तो अब मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूं. इसके जो डेरिवेशन है वो दो तरीके से है, पहला फॉर्मूला मेथड से है और दूसरा ग्राफिकल मेथड से है. तो फर्स्ट वी विल रीड व्हाट हाउ कैन वी रिड्यूस द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड. नाउ फर्स्टली आई एम गोइंग टू रिड्यूस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इन दिस वी विल अप्लाई सिंपल फॉर्मूला. Acceleration is equals to change in velocity upon time taken to change the velocity. मतलब कितना change हुआ velocity में और कितना time लगा उसे change करने में, वो क्या हो जाएगा? Acceleration. तो a is equals to v minus u upon t. शायद याद होगा तुम लोगों को कि जब हमने क्या किया था, एक एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो मैंने v और u के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था. We have discussed about v and u. V is the initial final velocity and u is the initial velocity. मतलब जो बॉडी जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करती है मोशन, दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी. और जब बॉडी के रुकने के टाइम पर या जो एक्वायर फाइनली वेलोसिटी वो कर लेती है एक्वायर, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया a is equals to v minus u upon t. t को हम इधर यहाँ सेट कर देंगे. then we have the at is equals to v minus u and v is equals to u plus at. ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो आसान थी, हमने प्रूव कर दिया आसानी से कि v is equals to u plus at हो गया. फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल अप्लाई अ फॉर्मूला. इन सभी क्वेश्चंस को प्रूफ करने से पहले छोटा सा टर्म हमें याद रखना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर हमें क्या-क्या लेट करना है. लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियली विद वेलोसिटी u एंड आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v बाय अप्लाइंग एन एक्सीलरेशन. तो लेट अस कंसीडर वाला पार्ट हमें आप लोगों को अपने आप करना है. तो वो चीज देख लेना एक बार कैसे कर लिखना है थोड़ा सा. मतलब जो चीजें हम इक्वेशन में यूज कर रहे हैं वही हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? एक बार फिर से बता रहा हूं. लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग इनिशियली विद स्पीड u आफ्टर सम टाइम t एक्सपीरियंसिंग सम एक्सीलरेशन a इट्स वेलोसिटी विल बिकम v. देन वी हैव और हम फार्मूला लगाकर इसको फाइंड करेंगे.
सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ हैविंग सम एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, तो उस कंडीशन में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ यू हो जाएगी। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी उस टाइम पे फाइंड करना है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेक। तो इतना हमें ध्यान रखना है, उसके बाद हमें वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से वी एवरेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, उसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे। हमारे पास वी एवरेज का एक फॉर्मूला और होता है, फोर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन वी हैव v average is equals to u plus v upon 2। हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, v average is equals to u plus v upon 2। Now we will compare these two equations, क्योंकि दोनों में v average है, तो हम comparing note में इनको लेकर के आते हैं। So अब हम लिख सकते हैं इसको from equation 1 and 2। हमें क्या मिलता है 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन वी विल गेट s अपॉन t इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2। देन वी हैव s इज इक्वल्स टू v प्लस u प्लस v, लिखो v प्लस u लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, v प्लस u अपॉन 2 इनटू टाइम t। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर। तो ये इक्वेशन यहाँ पर काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो अब देखो, इन सेकंड इक्वेशन इज देयर एनी टर्म यू, यस, इज देयर एनी टर्म वी, नो, देयर इज नो टर्म ऑफ वी इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वी हैव टू एलिमिनेट द वी। सो पुट वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी in equation third. So in equation third, if we will put this value, then we will get s is equals to u plus 80 plus u upon 2 into t. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, s is equals to, ये हो जाएगा 2u plus 80 upon 2 into t. Just open this bracket, s is equals to 2ut plus 80 upon 2। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, मैंने पहले ही दिन क्लियर कर दिया था कि अगर हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं पता है, हम मैथमेटिकल टर्म्स नहीं जानते, तब तो हमारे लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम ये सारी चीजें जानते हैं तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। सो नाउ here s is equals to 2ut plus 80. Now we have a plus b upon c. Then we can write a upon c plus b upon c. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर भी वही टर्म अप्लाई कर सकते हैं? ये होगा 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s is equals to 2ut upon 2 plus 80 स्क्वायर upon 2. यहाँ से आ जाएगा s is equals to ut, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ 80 स्क्वायर। चाहे हम इसको 80 स्क्वायर अपॉन 2 लिखें या हाफ 80 स्क्वायर लिखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया? यस किया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट वी विल डू, मैंने क्या बोला था कि यहां तक ये जो हमारा पार्ट है, यहां तक चीजें सेम होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे हमने यहां तक जो चीजें s is equals to v plus u upon 2 into t,
ये इक्वेशन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी प्रूव करेंगे और यहां तक हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी प्रूव करेंगे, तो चीजें सिमिलर होगी। आधे इक्वेशन तो थर्ड भी और सेकंड भी दोनों सेम है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यहां से हम यहां लिख देंगे, s इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 इनटू t। सो वी हैव द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, तो थर्ड इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं है, सो वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम। सो टाइम हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a हो जाएगा। नाउ जस्ट एलिमिनेट cos t इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 इनटू ये कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। फिर से मैं यहाँ एक आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं, तो अब फिर से यहाँ एक आइडेंटिटी जब लगेगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक आइडेंटिटी फिर से मैं यूज कर रहा हूं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, यहां पर आई यूज a अपॉन b इनटू c अपॉन d, then it will be a into c upon b into d। ये तो सबको पता है कि न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई करता है, डेनोमेटर डेनोमेटर के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो s इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा v प्लस u v माइनस u अपॉन 2a। नेक्स्ट इक्वेशन में इसी में यहीं पे आगे कर रहा हूं मैं, ये a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, और a प्लस b इनटू a माइनस b इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर ले आओ, सिंपल सा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ भी नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल है, तो सेकंड इक्वेशन में हमें वी को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले चीज हमें वी एवरेज, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं वी एवरेज के, दोनों हम लिख लेंगे, दोनों को कंपेयर करा देंगे, हमारे पास इक्वेशन बनकर के आएगी। जहां हमारे पास ये इक्वेशन बनकर के आए, यहां से अगर एक बार हम वी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, अगर हम इसी में से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड डिडक्शन ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिया है। इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसमें से कोई एक या दो इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ करने के लिए आ जाता है, चाहे वो फॉर्मूला मेथड से हो, चाहे वो ग्राफिकल मेथड से हो, या इन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली 110% एग्जाम में मिल जाता है। नाउ हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो माय फर्स्ट न्यूमेरिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स इज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second. In the next 5 second calculate the acceleration of the bicycle in both the cases। मतलब पहले केस में उसने जीरो से स्टेशनरी का मतलब था कि जीरो से उसने चलाना स्टार्ट किया और जब उसने साइकिल को पैडल लगाया तो वो 6 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर गया, कितने केस में, कितने सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में। लेकिन फिर उसने ब्रेक अप्लाई की, वो ब्रेक अप्लाई करने पर उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इसी के दो के दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है, फर्स्ट केस विल बी द केस ऑफ एक्सेलरेशन एंड सेकंड केस विल बी द केस ऑफ रिटार्डेशन। सो इन फर्स्ट केस वी हैव यू, इफ अ बॉडी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बॉडी जीरो से स्टार्ट कर रही है, मतलब स्टेशनरी से या रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, या तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी दिया जाए या रेस्ट दिया जाए,
उसके केस में यू हमेशा जीरो होगा, मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई उसकी, जीरो हो गई। वी कितनी एक्वायर कर ली है उसने स्पीड, 6 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर ली है, तो वी कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितने टाइम में उसने किया है, 30 सेकेंड्स में। एंड नाउ वी हैव द फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। देन वी हैव वी इज 6 माइनस 0 अपॉन 30, देन इट विल गिव्स द वैल्यू 6 अपॉन 30। ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ इस बार जब न्यूमेरिकल्स में हम जब आंसर्स लिखेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यूनिट लिखना मत भूलना, वरना एग्जाम में मार्क्स कट हो जाता है यूनिट का, ठीक है। अब उसके बाद केस टू में क्या, कि जो पहले केस की मैक्सिमम मतलब फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे केस के लिए किस चीज का काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। वो कैसे, मान लिया वो 6 मीटर, अब जब वो चलना स्टार्ट किया था उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब जब वो ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा सेकेंड केस के लिए, और जो उसकी इनिशियल मतलब स्लो डाउन होकर के स्पीड आई कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। कितने सेकंड में आए, 30 सेकंड्स में, यानी कि टाइम 5 सेकंड्स में आए, तो हमारे पास फिर से फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, 4 माइनस 6 अपॉन 5 दैट विल बी -2 अपॉन 5 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका जो आंसर होगा ए इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो हम लिखेंगे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ ये पॉइंट है -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हमसे रिटार्डेशन पूछता तो हम उसका साइन कन्वेंशन नहीं करते, अगर हमने लिखा है एक्सेलरेशन तो ये होगा, अगर हम यहाँ लिख दें रिटार्डेशन तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ हम किस चीज का साइन लगाएंगे, या तो डिसलरेशन लिखते हैं या रिटार्डेशन लिखते हैं, इसके केस में माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही माइनस साइन लग करके होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर लिख रहे हैं तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज द रिटार्डेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा याद रखनी है, इसी से हमारे न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम्स है वो आसान हो जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज को कि अगर थोड़ा सा फिजिक्स में टफ लगेगा तो वो न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें भी अगर ध्यान से किया तो कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में आसानी से सब कुछ हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate distance traveled during this time। मतलब सबसे पहली चीज, कार किसी एक स्पीड से चल रही है, हमें नहीं पता कार की इनिशियल स्पीड, नहीं पता कार की फाइनल स्पीड, नहीं पता, और हमें सिर्फ केवल एक्सेलरेशन और टाइम नहीं है, और हमसे पूछा है, हाँ फाइनल स्पीड हमें पता है, लास्ट में एक लाइन है द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसने कहा अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इस वाली लाइन को पढ़ने के बाद बिना देखे इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, मतलब कार फाइनली स्टॉप हो रही है, तो वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से मुझे ना कोई एक या दो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे, इसमें टाइम दिया है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज, अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम डिस्टेंस किससे फाइंड कर सकते हैं इससे, तो सेकंड इक्वेशन यूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हमारे पास नहीं है, u नहीं है,
है, टी है, लेकिन यू नहीं है और एस भी नहीं है। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल किसी इक्वेशन में, अगर दो चीजें अननोन है, दो वेरिएबल अननोन है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब तो नहीं कर पाते हम सॉल्व। अगर कोई एक वैल्यू अननोन है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकता है। यहां से क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दोनों में ही यू की जरूरत है, तो हम यू किस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द यू विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल हैव वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एंड नाउ वी इज जीरो इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस सिक्स इंटू टी, दैट इज 2 सेकेंड। सो दिस इज जीरो इज इक्वल्स टू यू माइनस 12, यू इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या फाइंड होकर के आ गया, यू फाइंड होकर के आ गया है। तो अब हम क्या इसको या तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, चलो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 6 इंटू एस हमें पता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 144 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा बीच में, -12 इनटू एस, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इनटू एस इज इक्वल्स टू 144, एस इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 12, मींस एस इज इक्वल्स टू 12 मीटर, मींस जो गाड़ी है, जो कार है, वो कितने मीटर पर, 12 मीटर पर जाकर के रुक जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। मैं एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, इस तरह के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, 30 प्लस 20 अपॉन 2 कर देता है, जो कि गलत है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले से हमें ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन करना है। तो इसमें मेन चीज है कि हम दोनों केसेस में, फर्स्ट केसेस और सेकेंड केस में, हमें क्या करना है कि टाइम फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या, डिस्टेंस हमने क्या किया है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया है, तो डिस्टेंस कितनी होगी फर्स्ट केस में ट्रेवल किया इसने, एक्स किलोमीटर, इसको किलोमीटर लिख देता है। स्पीड फ्रॉम ए टू बी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। टाइम टेकन टी वन मीन्स ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स अपॉन 30 आवर हो गया। सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, हमारे पास सेकेंड केस में अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस यहाँ भी सेम रहेगा एक्स किलोमीटर, स्पीड यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगी जो कि क्या है 20 किलोमीटर पर आर, और टाइम T2 मतलब बी से ए तक, अब देखो स्पीड चेंज हुई है तो टाइम भी तो चेंज हुआ होगा, तो यहाँ से बी से ए तक आने में जो टाइम लगा वो लगेगा एक्स अपॉन 20 किलोमीटर पर आर। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला में याद रहना चाहिए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज भी फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स ए से बी तक गया प्लस एक्स बी से ए तक आया लौट करके, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2।
t1 plus t2, then it will become 2x upon x upon 30 plus x upon 20. तो अब हमारे पास जो आएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2x अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, 32 जा 60 मींस 2x प्लस 20, यहां से इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमने कितना लिया, यहां ये हमारे पास 30 था और ये हमारे पास 20 था, ठीक है, x upon 30 plus x upon 20 इन दोनों का एलसीएम लेकर के इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x 20 3 जा 60, तो ये कितना आ जाएगा 3x upon 60, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 60 ऊपर चला जाएगा, 2x into 60 upon कितना हो जाएगा 5x, x से x कैंसिल, ठीक है, अब ये 12 टाइम्स तो कितना आ गया 24 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, यहां एवरेज स्पीड जो होगी गाड़ी की वो कितना निकल करके आएगी 24 मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूमेरिकल हमारा आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे एवरेज स्पीड वाले वहां पर रह गया था, तो इसमें अभी तक के जो न्यूमेरिकल था वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आएंगे और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से रिलेटेड आएंगे या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड आएंगे, तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना है, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, सो फॉर टुडे इट इज एनफ, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।